गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। मैं सौरभ चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो आज दिन की शुरुआत बारिश से हो रही है, क्योंकि देखिए बारिश बहुत तेज़ हो गई है और पूरा आंगन गीला गीला हो गया है। तो कल हमने बारिश की बात लगाई थी और आज बारिश हो गई है, और सामने के पहाड़ों में देखिए खतरनाक वाली बारिश हो रही है आगे वाले पहाड़ों में, और इस साइड को भी खतरनाक ठंडा होगा अब चारों ओर। और मैं अब इधर आया हूँ और इधर से बनाता हूँ थोड़ा बहुत ब्लॉग, क्योंकि अब बाहर से तो बना नहीं सकता क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। ये देखिए, तो डेली ब्लॉग हमको देना ही ठहरा और डेली कंटेंट के हिसाब से डेली लाइफस्टाइल देनी ठहरी। फिर आज तो बहुत ठंडा होने वाला है और सही हुआ बारिश होगी, लेकिन अगर काले बादल रहते तो शायद आज के दिन भी बहुत ठंडा होता, लेकिन वैसे कल पूरे दिन गर्म थी। तो देखते हैं जैसे जैसे बारिश रुकती है और अपडेट देते रहेंगे फर्स्ट क्लास से। लेकिन बारिश तो बहुत हल्की फुल्की हो ही रही, फिर सामने पहाड़ों पे देखें तो लगभग लगभग ठंडा हो ही रहा। तो जिस दिन धूप आ रही उस दिन लग रहा है थोड़ा गर्म टाइप की लग रही है, लेकिन आज बारिश हो गई तो बहुत बेकार। और सुबह से मौसम बहुत ख़राब था, कल धूप ही धूप थी, आज बारिश से बारिश लगता है। कहीं और साइड पहले बारिश हुई थी लेकिन अब इस साइड हो गई है। तो अभी देखिए मैं यहाँ बैठ के ब्लॉग बना रहा हूँ, तो आज मैं उधर जा सकता हूँ ना इधर जा सकता हूँ, और इधर से अपडेट देते रहेंगे आप सभी लोगों को मौसम का। तो देखते हैं अगर मौसम खुलता है तो थोड़ा दिखाते हैं आगे का मौसम चेंज कैसा होता है, क्या पता अभी बारिश पड़ रही है तो थोड़ी देर, क्या पता अभी बारिश पड़ रही है थोड़ी देर बाद धूप आ जाए। ऐसा मौसम, पहाड़ों का मौसम का कुछ पता नहीं है कब रंग बदले, तो ऐसा कुछ वो नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ हूँ और अपने कोट के उधर बैठा था और यहीं से ब्लॉग की शुरुआत करी अपने यहाँ से। और सामने देखें पहाड़ों पर कुछ ऐसा काले काले बादल छाए हैं, और कल वाला ब्लॉग भी डाल दिया है अपने हरियाली वाला। और कल हम मंदिर साइड गए थे, फिर उस साइड का ब्लॉग आपको डाल दिया है, थोड़ा बहुत खेतों के बारे में बताया, थोड़ा बहुत जब हम बचपन में आ जाते थे उसके बारे में बताया, तो उस साइड का ब्लॉग भी डाल दिया है। तो देखिए 10 बजे मैंने ब्लॉग डाल दिया था और कल रात एडिट करने में था वगैरह, ये तो मैंने डाल दिया। प्लीज़ प्यार एंड सपोर्ट दिखाइए, जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर करिए हमारे यूट्यूब फैमिली में। और अभी देखिए हल्की हल्की बारिश बंद हो गई है। देखिए मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, अभी भी बारिश तो रुक गई है लेकिन मौसम एकदम काला काला हो गया है और ठंडा बहुत हो रहा है, हवा बहुत खतरनाक पड़ रही है। देखिए चारों ओर का मौसम अभी का पहाड़ों का, अंधेरा ही अंधेरा और हमारा कनिस्टर में पानी बिल्कुल रखा है, गर्म पानी एकदम बढ़िया करके। और सामने की देखिए ऊपर कोहरा ही कोहरा हो गया सामने पहाड़ों में भी। तो आज के दिन तो बहुत ठंडा है, कुछ कह नहीं सकते, और मौसम बारिश हुई थी थोड़ा बहुत भिगा दिया है खाली ठंडा मारने के लिए, ज़्यादा तो हो नहीं रही है। और गाय बच्चियाँ भी खुल गई है, मतलब अब नॉर्मल जो भी खाएगी खा लेगी। वैसे 9 बजे जो हमारे गाय खुलते हैं वो तो खुल गए हैं, लेकिन नीचे खेतों में बकरियाँ चल रही है, उनको जो चराने गए हैं उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। ये देखिए सामने गए हैं खेतों में और ऐसा मौसम हो रहा कुछ, तो ऐसे मौसम में बाहर निकलना तो बहुत टफ ठहरा यार, क्योंकि ठंडा भी उतना ज़्यादा ही हो रहा है, मेरे को इतना ठंडा हो रहा है क्या बताऊँ। आज तो इस मौसम में अगर आप सभी लोगों ने लकड़ियाँ वकड़ियाँ नहीं रखी होगी तो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि पहाड़ों में अगर जिसने सूखी लकड़ियाँ नहीं रखी होगी तो कुछ भरोसा नहीं है लाइट जाने का भी, लाइट भी पता नहीं चलता कि लाइट कब चली जाए, और रात को पता चला लाइट कभी कभी आती ही नहीं है हमारे गांव में, तो ऐसा कुछ है। तो अभी सबके घरों में सगेठी जल गई होगी, हमारे घर में भी जली है, अंदर जली है, लेकिन हमने बाहर से भी पानी गर्म करने के लिए रखा है, क्योंकि कुछ भी जूठे वूठे बर्तन होंगे तो फर्स्ट क्लास से धोए जाएंगे। और यहाँ फर्स्ट क्लास हमारे गर्म पानी हो रहा है, यहाँ देखिए गर्म पानी भी बहुत महत्व है अभी के टाइम में, क्योंकि ठंडा पानी बहुत होता है अभी,
इस टाइम पहाड़ों से निकला हुआ बर्फीली ठंडा पानी, बर्फीली ठंडा पानी का आपको पता ही ठहरा कैसा होता है। एक बार सर्दी के टाइम में आप आना तो पहाड़ों के साइड में तो बहुत ठंडा होता है। लगू कैसा हो रहा है आज, ठंडा हो रहा है? कैसा ठंडा? स्कूल नहीं गई? स्कूल? और हमारा जो यहाँ का गांव का स्कूल है वो बहुत ऊपर है और वहाँ सबसे ज़्यादा हवा आती है तो बहुत ठंडा है। तो कभी कभी तो हम हम लोगों को छुट्टी कर देते थे ऐसे मौसम में, लेकिन आज स्कूल में फिर भी स्कूल खुला है। वो सामने जो ऊपर पहाड़ी दिख रही है यहाँ है हमारा हाई स्कूल। तो मैंने बहुत से ब्लॉगों में आप सभी को दिखाया है वो स्कूल, तो कुछ ऐसा हाई स्कूल तक ही है। लेकिन आज सुबह सुबह ठंडा था तो आज साइड बंद नहीं किया, लेकिन कल ठंडा होगा तो कल छुट्टी कर देंगे क्योंकि यहाँ बहुत ठंडा होता है ऊपर स्कूल में। तो पहाड़ी इलाकों में तो अभी बहुत ठंडा हो रहा है। मैं भी अभी बाहर बैठ के व्लॉगिंग कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को देना है डेली व्लॉग, डेली अपडेट्स बाहर से रिलेटिव, तो थोड़ा बहुत जितना भी हो सकेगा आज के दिन तो बना रहा हूँ। फिर मैं तो दोस्तों आज देखते देखते टाइम भी निकल गया और देखिए फिर भी मौसम ऐसे रहा, लेकिन हल्की बूंदाबांदी हो ही रही है और सामने के पहाड़ों पर कोहरा जम गया है ये देखिए। और आज मौसम भी बहुत ठंडा हो गया है इस साइड का। सुबह सुबह ना धूप आई ना कुछ आए और सामने बादल देखिए कितने स्पीड चल रहे हैं। तो अभी थोड़ा देर बाद थोड़ा अभी मौसम हल्का हल्का रुका है, लेकिन अभी दिन भर बारिश हुई और टाइम का पता भी नहीं, आज 3 बज चुके हैं, आज टाइम का पता भी नहीं चला, मैं भी सो गया था बीच में। तो देखिए बारिश में कुछ पता नहीं चलता टाइम का। तो अभी फिलहाल ठंडा हो रहा है फिर गजब का। तो भैया जी मैं जा रहा हूँ सामान लेने सीधे अपने मटकिन, और आज ठंडा भी हो रहा है तो सामान लाना था। मैंने सोचा अच्छी खासी धूप आई है तो आज तो धूप भी नहीं आई है, और जैसे जैसे टाइम चलाते तो धूप के चक्कर में मैंने सोचा क्या पता अभी थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई थी, अभी थोड़ी देर बाद जाऊंगा, लेकिन बारिश रुकी नहीं, लेकिन अब जाके बारिश रुकी है ये देखिए। और जैसी रुकी है इसने पूरा ठंडा माहौल बना दिया है चारों ओर पहाड़ों का, देखिए कितना खतरनाक दिख रहा है। तो मैंने सोचा लेके आऊँगा अब देखते, तो मुझे बच गए हैं यहाँ पर 4 और मेरे को जाना है मटकिन यहाँ से, और ठंडा भी हो ही रहा। और जितना ये बारिश हुई आज इतने मतलब आज ये बारिश जो हुई वो थोड़ा बहुत प्रॉपर तरीके से हुई, लेकिन ना तो ये खाली ठंडा कर देती है और हल्का धूप 2-3 छींटे और बादल लगा देती है, लेकिन आज अच्छे से हुई है। ये देखिए खेतों के लिए बेस्ट हुई है। और इस साइड के खेत की हरियाली देखिए, इस साइड को भी हमारे खेत है वो नीचे तक, तो ये देखिए बिल्कुल बढ़िया मौसम हो रहा है अभी फर्स्ट क्लास। और मेरे को जाना है ज़रा रौन तक अपना सामान लेने, तो मैंने सोचा गया हूँ तो व्लॉग बना ही लूँ फर्स्ट क्लास तरीके से। तो कुछ ऐसा सीन बना मेरा अभी अभी। ये रास्ता बहुत शॉर्टकट है मटकिन जाने का, एक रास्ता और है लेकिन ऊपर वाला, वहाँ से मैं नहीं गया। मैंने कहा जितना पत्ता लॉन्ग घूमूंगा तो उससे जल्दी मैं यहाँ से पहुँच जाऊँगा, तो वहाँ से गाँव के रास्ते से बीच बीच जाने से अच्छा जल्दी जल्दी यहाँ से शॉर्टकट मारा अपना और सीधे मटकिन की ओर चले गया। ये है हमारा तालधर का रास्ता, और यहाँ गर्मियों के दिन में फर्स्ट क्लास ठंडा पानी मिलता है। मैंने जो पिछले ब्लॉग डाल रखे ना उसमें देखना, तो यहाँ का मैंने पूरे प्रॉपर तरीके से बता रखा है कि कब कैसा पानी आता है। और गर्मियों के दिन तो गर्मियों के दिन के लिए यहाँ तो सबसे बेस्ट ठहरा। ये देखें ये टंकी हाल ही में बन रखी है, जो नौला है बहुत पुराना नौला है सामने वाला। तो नए व्यूवर्स को जो जुड़े हैं तो उनको बताना चाहता हूँ मैं, तो देख लेना यहाँ का भी ब्लॉग। नहाने आते थे हम यहाँ फर्स्ट क्लास तरीके से, ये देख इधर नहाते थे हम, लेकिन ये नौला अभी भी उतना ही सही है और बढ़िया है और बहुत पुराना नौला है, इसकी आकृति भी पुराने जमाने की है। और ये हाल ही में बन रखा है, लेकिन यहाँ भी एक टंकी थी छोटी वाली। तो चलो आगे को चलते हैं और मौसम के हिसाब से जल्दी जल्दी सामान लेके आते हैं, क्योंकि मौसम का कुछ अच्छा नहीं ठहरा, कब ये ख़राब हो पता नहीं चलता। सुबह बादल तो लगे थे लेकिन लग नहीं रहा था बारिश होगी, और लेकिन बहुत ठंडा कर दिया उसने और बारिश भी
खतरनाक हो गई। और देंड के फूल भी हमारी कुछ इस प्रकार हो रखे हैं खेतों में। इस साइड उतने प्रॉपर तरीके से फूल नहीं लगे हैं, ये देखिए बहुत कम कम मात्रा में। और ऐसी जगहों पर फिसलने का बहुत डर रहता है क्योंकि अभी बारिश हो रखी ना। और सामने पहाड़ों पे देखिए कितने क्या व्यू दिख रहा है, और कोहरा ही कोहरा दिख रहा सामने अल्मोड़ा साइड, ये देखिए। तो ऐसे वादियों में चलने में, और अभी मैं जा रहा हूँ तो चढ़ाई भी चढ़ाऊँ तो ठीक भी ठहरा, गर्म भी हो जाएगी इस क्लास तरीके से, और एक्सरसाइज भी हो जाएगी, और ठंडा जो लग रहा है वो भी कम हो जाएगा, तो ये भी सही है। और फटाफटा से सामान लाते हैं फिर अपना, जल्दी जल्दी घर को चलते हैं। और जितनी ऊपर को जा रहा हूँ हवा भी उतनी तेज़ पड़ रही है इस बड़े से पेड़ से। मैंने बताया था ना हर मंदिर के वहाँ एक ना एक पेड़ ज़रूर होता है, देखिए यहाँ भी एक पेड़ है फर्स्ट क्लास वाला।